सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत राजपूत, वेलकम टू द व्लॉग। हम पहुंच चुके हैं नैना लेक, दिस इज इन नैनीताल। तो गाइस, कल रात नैनीताल के इन पहाड़ों के बीच हमने होटल में स्टे कर दिया था और रात हो गई हवा खराब, क्योंकि हम सोच रहे थे हरिद्वार जाने की, लेकिन हम आ गए यहाँ और यहाँ हो गई ठंड, तो हवा खराब हो गई। लेकिन जो है व्यू इतना प्यारा है, तो उसकी वजह से हम ठंड को इग्नोर करते जा गए। और सुबह हो गई, 6 बजे हुए हैं, अब चल रहे हैं नहाने धोने। और नहाने धोने के बाद यहाँ पर सामने नैना देवी का मंदिर है, वहाँ पर करेंगे नैना देवी के माता के दर्शन। उसके बाद चलेंगे यहाँ से नीम करौली बाबा के आश्रम, बाबा के दर्शन करने। तो बने रहो चैनल में, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नैना देवी कोई साधारण नैना देवी का मंदिर नहीं, बल्कि ये इतना पुराना मंदिर है कि इसका इतिहास जो है हमारी माता सती और भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। उस वक्त जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था, तो जब शिव जी माता सती को कैलाश लेकर जा रहे थे, उस वक्त 51 शक्ति पीठें जो बनी माँ के अंग अंग जहाँ पर आके गिरे, उसमें से एक शक्ति पीठ हमारा ये है नैना देवी मंदिर नैनीताल में स्थित। इसका ही महत्व है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और माता के नयन यहाँ पर आके गिरे थे, तो यहाँ पे माँ के नयनों की पूजा होती है, उनके दर्शन हो पाते हैं माता के। और ये जो नैना लेक है, ये इसी वजह से इतनी प्रसिद्ध है। आओ दिखाता हूँ आपको बिल्कुल नज़दीक से। मंदिर के अंदर जितने भी पुष्प हैं वो माता के समर्पण हेतु ही प्रयोग किए जाते हैं केवल। माँ के नैनों के सामने ही विराजमान है उनके स्वामी भोलेनाथ। हम निकल चुके हैं नैना देवी के दर्शन करने के बाद नीम करौली बाबा के दर्शन करने। दिवाली रोड से होते हुए हल्द्वानी क्लोज करके ये कैंची धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ से ऑटो लाइन लगी नीम करौली बाबा के आश्रम में, यहाँ बाबा के दर्शन करेंगे। श्री वैष्णो देवी मंदिर, हाँ वैष्णो देवी मंदिर, क्योंकि हल्द्वानी से सीधा जम्मू कश्मीर आ गए ना, और बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। ओए ओए, कहाँ पे बाबू, कहाँ पे लगाऊं बाबू? चाचा कहाँ लगा दूं गाड़ी? जहाँ तुम कहते हो वहां लगा दूं, मैं तो यहाँ इस पहाड़ पे लगा दूंगा, इस पहाड़ पे लगवाओ। ओए उठवाइयो गाड़ी, उठवाइयो।
नींबू तो बहुत से देखे हो मैं लेकिन यहाँ वाला नहीं पूरा देखा होगा। ये रहा नींबू, ये रहा मुंह जितना नींबू भाई, एक नींबू में पूरा खानदान पी लेगा नींबू पानी। ये गिलास हो गया नींबू पानी का, इससे बड़ा तो नींबू ही है। प्रसाद लो, प्रसाद लो भैया, वो वाला डब्बा दे देना। भाई बाबा के भोग के लिए प्रसाद लिया जा रहा है, ये खजूर है और ये मखाने का ड्राई फ्रूट्स का, और ये बाबा का मन पसंद जो भोग होता है लड्डुओं का भोग, तो ये ले रहे हैं बाबा के लिए। चलो ले ले आनंद, ले ले, ये खजूर है। तो जैसे कि आप लोग नहीं देख पाए, हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन कर लिए थे, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो उसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। एंड आज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, इससे मस्त ब्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।